बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में आपको खुश आमदीद। आज बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान के हवाले से रेसिपी है। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक किस्म के रोल बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप स्टोर भी कर सकते हैं। तकरीबन एक हफ्ते तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि ज़्यादा अरसे तक भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं और वो किस तरह कर सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ये रेसिपी अभी तक यूट्यूब पर नहीं है, ये मेरी अपनी ज़ाती रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार है, जब आप बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी अच्छी रेसिपी है ये। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो आलू, और उसको मैंने कर लिया है बॉयल। बॉयल करने के बाद छील लिया है। इसको अब मैं करूँगी मैश। या तो आप कद्दूकस से कर लें इसको, या फिर किसी भी तरीके से आपको आप इसको अच्छा सा मैश कर लें। इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं रहना चाहिए। तो इसको कश करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, देखें इस तरीके से जो है वो मैंने तमाम जो है वो बारीक बारीक जो है ना मैंने कश कर लिया है। आप किसी भी तरीके से इसको मैश कर लें जिसमें दाना ना हो। तमाम आलू हो चुके हैं कश। अब मेरे पास आधी प्याली है प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, ये मैं शामिल कर रही हूँ उसमें। हरी मिर्चें हैं मेरे पास 4 से 5 अदद कटी हुई, ये मैं शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया शामिल कर रही हूँ मैं, खूबसूरत लगता है इसमें बहुत ज़्यादा, और जायका भी आता है बहुत अच्छा। अब मसालों में जो चीज़ें शामिल करूँगी उसमें, हल्दी पाउडर आधी चाय के चम्मच, अजवाइन आधी चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच, 2 चुटकी कलौंजी, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच भर के। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें। तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब आप देखेंगे इसमें मैं क्या चीज़ें शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास 1.5 कप या 10 खाने के चम्मच भर के है चावल का आटा, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे ये रोल। अब इन तमाम चीज़ों को जो है ना अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हल्के थोड़े से अच्छे लगते हैं नमक मिर्च। तमाम को अच्छा सा हम इसमें मिक्स कर लेते हैं आपस में। जी, तो हमने अच्छा सा मिक्स करके इसको साइड पे रख दिया है। अब हमने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें लिया है 1 कप बेसन, और इस बेसन में हम डालेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जिनको हमने बारीक काट लिया है, और 1 अदद बड़े साइज़ का आलू बारीक चॉप कर लिया है हमने, ये भी हम इसमें डाल देंगे। हरा धनिया डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून है हरा धनिया। अब मसालों में है हमारे पास ज़ीरा आधी चाय की चम्मच से कम है, आधी चाय की चम्मच दड़ा मिर्च, आधी चाय की चम्मच जो है लाल मिर्च पिसी हुई, 2 चुटकी कलौंजी है, अजवाइन है हमारे पास, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी है, हसबे जायका नमक लिया है 1 चाय का चम्मच। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। हम कर रहे हैं पकौड़ों का सामान तैयार। इसका एक मिक्सचर बना लेंगे हम, सख्त मतलब ना नरम हो, ना ज़्यादा पतला, ना ज़्यादा सख्त। देखिए इस तरह का हमने इसका एक आमेज़ा तैयार कर लिया है, जो कि ना बहुत सख्त है, बहुत ना बहुत पतला। जिस तरह हम पकोड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का हमने रेडी किया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं रोल बना रही हूँ तो पकोड़े कहाँ से आ गए, तो देखते जाइए जनाब आगे आगे क्या होता है। यहाँ कढ़ाई में मैंने रख दिया है घी गर्म होने के लिए। घी गर्म होता है तो हम छोटे छोटे पकौड़े जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं। घी ज़्यादा गर्म होना चाहिए आपका, फुल और मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि हमारे पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी हों, नरम ना हो जाएँ। जी, तो घी गर्म हो चुका है तो हम पकौड़े स्टार्ट करते हैं डालना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जितने पकोड़े हमारी कढ़ाई में आएंगे हम एक दफ़ा में उतने ही पकोड़े डाल देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े हमारे हो गए हैं फ्राई। पकोड़ों को हम निकाल लेते हैं बाहर। बिल्कुल आपने वैसे ही पकोड़े बनाने हैं जैसे हम पकोड़े बनाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप कि कितने क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। तो तमाम पकोड़े इसी तरीके से बना कर फिर आपसे मिलती हूँ मैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पकोड़े बना लिए हैं। अब पकोड़ों को हम छोटे छोटे से पीसेस में इस तरह तोड़ लेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से एक तरह से इसका मोटा मोटा सा हम चूरा कर लेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें बहुत ज़्यादा चूरा नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा सा करना है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से हमने मोटा मोटा सा इसका चूरा कर लेना है। और आगे चलते हैं। एक डिश ली है हमने, उसको हमने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब आलू वाला जो अमेजा था हमारे पास, उसमें से हमने मुनासिब साइज़ का एक आलू का पेड़ा इस तरह बनाना है। ये देखें अपने हाथों को भी आप ग्रीस कर लें ताकि चिपके नहीं, और उसको इस तरह प्रेस करें। ये काम आप दोनों हाथों से कर सकते हैं। मेरे एक हाथ में कैमरा है इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकती दोनों हाथों से। मैं आपको एक हाथ से करके दिखा रही हूँ। आपने इस तरीके से ये इस तरह प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा करना है। और जो पकौड़ों का चूरा था हमारे पास, वो हमने इस तरह इसके बीच में रखना है, ठीक है। जितने बड़े साइज़ का आप लेना चाहते हैं उतने बड़े साइज़ का आप ले सकते हैं। और इस तरीके से फोल्ड करके हमने इसको बंद कर देना है। अगर आपके पास ये कम पड़ जाए, यानी कि इसका थोड़ा सा साइज़ कम हो और ये मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हो रहा हो, तो आप इसमें मज़ीद आलू ऐड करके इसको बंद कर सकते हैं और इसका रोल बनाने में। एक हाथ से नहीं बना पा रही हूँ इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती, तो मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। अब देखें कि मैंने इनके अंदर पकौड़ों की फिलिंग करके और मैंने इस तरह के रोल बना लिए हैं, और ये रोल थोड़े से मोटे बनेंगे। वैसे आप अपनी साइज़ से बना सकते हैं जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर पकौड़ों की फिलिंग हुई है तो इसलिए ये थोड़े से मोटे बनेंगे। जितना बड़ा साइज़ आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा साइज़ बना लें। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि इसको स्टोर करने का क्या तरीका है। अगर तो आप इसको पकौड़ों की फिलिंग करके स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, ठीक है, फ्राइंग से पहले, तो आपने आप ये एक हफ्ते तक इसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इसमें पकोड़े नहीं डाल रहे और ये बग़ैर पकोड़ों के आप इस तरह रोल बना के रख रहे हैं, तो फिर आप इसको दो हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। तो अब अगली तरफ चलते हैं जी। तो तमाम रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। और मैंने यहाँ पर वही वाला घी रख दिया है कढ़ाई में डाल के जो कि हमने पकोड़े फ्राई किए थे। और हम रोल को जो है कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना कोई अंडे में डिप करेंगे, ना कोई मैदे का घोल बनाएंगे। जस्ट इसी तरह हम इसको फ्राई करेंगे और आराम से इसको उठाएंगे। घी को हमने बहुत गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बस मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। गोल्डन फ्राई हमने करना है। थोड़ी देर नहीं छेड़ेंगे हम इसको, कुछ देर के बाद हम इसको हिलाएंगे हल्का सा बस ऐसे, और बस उसके बाद जो है कोई टेंशन नहीं है। ये देखें बिल्कुल आराम से ये फ्राई हो जाएंगे। पलटते रहें इसको, हर तरफ से इसको गोल्डन कलर दे लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम करेंगे। पहले हमने फुल गर्म कर लिया था घी को। घी को फुल गर्म करने के बाद ही हमने मीडियम फ्लेम करना है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। हर तरफ से हमने गोल्डन कलर देना है। बहुत ही क्रिस्पी किस्म के हमारे बिल्कुल यूनिक रोल जो है, पकोड़ा रोल जो है, तैयार हो जाएंगे। तो देखें गोल्डन फ्राई हो चुके हैं हमारे तमाम रोल। तो हम निकाल लेंगे घी, अच्छे से निचोड़ लेंगे और ले आते हैं यहाँ पर। और बाकी वाले रोल भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी अंदर से कैसे हैं ये। मैं पहले सारे रोल जो है, तमाम रोल इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी साथ साथ यहाँ पर फ्राई भी हो रहे हैं और यहाँ पर बन भी चुके हैं। तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ थोड़ा सा कि ये कैसा होगा अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें अंदर से कितना ज़बरदस्त है और बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी है। ये देखें आपको आवाज़ आ रही होगी।
तो बहुत क्रिस्पी से रोल हमारे तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, और मैंने आपको काट के भी दिखाया कि ये अंदर से कैसा है, आप देख सकते हैं फिलिंग इसकी। तो तैयार हैं जी हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत यूनिक किस्म के पकोड़ा रोल, जिसको मैंने पकोड़ा रोल का नाम दिया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फिलिंग के साथ है पकोड़ों की, और नई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना है आपने, और मुझे कमेंट करके बताना है, लाइक का बटन लाजमी दबा देना है आपने, और नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वो कोई अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखा करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।